भांडेर में मनाई गई संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अनूप श्रीवास के नेतृत्व में राष्ट्र संत गाडगे महाराज का परिनिर्वाण दिवस केपी निरंजन का बाग विधायक कॉलोनी भांडेर में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआर राहुल, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, प्रदेश सलाहकार केपी निरंजन और राम कुमार कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्ञा प्रसाद पाल द्वारा किया गया। इस दौरान सीआईएसएफ के पद से रिटायर्ड हुए महेश केवट, पूर्व एसआई का राष्ट्र संत गोडगे की तस्वीर और सॉल श्रीफल देकर संगठन के समस्त पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार चक्कीला रजक द्वारा की गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अनूप श्रीवास, प्रदेश महासचिव रमाकांत पटेल, कृष्ण बिहारी डोहर आदि पदाधिकारी रहे उपस्थित। फिर हमें बहुत सारे कानून बनाए ताकि मूल्यवान समाज एक हो जाए। बाबा काशीराम साहब ने भी बहुजन समाज को भी बढ़ावा दिया, उन्होंने भी एक बहुत शक्तिशाली वो संगठन किया खड़ा किया था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण, कुछ गद्दारों के कारण उस संगठन को फ्लॉप होते नजर आ रहा। हमारे गाडगे जी महाराज ने महाराष्ट्र में जन्मे हुए थे। जब इन्होंने 1905 में घर गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद इन्होंने देखा कि अब तो घर त्याग करेंगे हम और समाज की सेवा करेंगे, तो उन्होंने एक लिबाज लिया, एक घेला लिया। घेला को महाराष्ट्र में गाडगा कहते हैं, और फटे चिते कपड़े पहने और जूता पहने ना पहने ऐसे ही चल दिए। गंदी नालियां, गंदी गटर मटर भरे हुए उनको साफ किया करते थे। फिर भी उनके उसमें विचार आया, अगर ये नालियों को साफ करेंगे, इस सफाई को साफ करेंगे, तो जो यहाँ व्यक्ति निवास करते हैं, जो कचड़े उनके दिमाग में भर गए हैं, शायद इस सफाई के कारण उनकी भी दिमाग की सफाई हो जाए। इस सफाई को एक अभियान बनाया ताकि मूल्यवादी समाज जागे, अपने अधिकार मांगे, अपने देश को जगाए कि देश उन्हीं का है, किसी और का नहीं। सारे लोग विदेशी थे, कुछ विदेशियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो संत गाडगे जी ने एक प्रण लिया और गली गली झाड़ू लगाने लगे। तो कोई उन्हें रोटी दे देता था, कोई पैसा देता था, जो पैसे दान में, जो पैसे उनके भीख में मिलते थे, वही पैसों से वो महाराष्ट्र में कई विद्यालय खुलवाए, कई चिकित्सालय खुलवाए, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं खुलवाई, जिससे मूल्यवादी समाज को शिक्षा ग्रहण हो सके। क्योंकि मैं तो नहीं, शिक्षा अगर शिक्षित वर्ग होगा तो वो समझेगा कि शिक्षा होती क्या है, हमारे साथ के, हमारे समाज के साथ वो क्या रहा, इतिहास को जानेगा। इतिहास, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता। उस समाज को इतिहास जानना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था। संत गाडगे जी ने ऐसा प्रण लिया और गली गली जाने लगे। चलते चलते उनकी टकरार बाबा साहब अम्बेडकर जी से हुई। बहुत प्रभावित तो हुए थे उनके विचारों से बाबा साहब, कि कोई महापुरुष तो ऐसा व्यक्ति आया है जिन्होंने इस मूल निवासी समाज को कुछ देने का काम कर रहे।